एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली का सैलेड। तो ये मैंने एक पूरा ऐसे फूल ले लिया है ब्रोकली का, फ्रेश फ्लावर है ये, बिल्कुल फ्रिज से निकाला है ना, इसलिए इसकी वाइट इसके ऊपर दिख रहा है। तो ये हम ऐसे पीसेस में कर लेंगे। स्लैब को हमने साफ कर लिया अच्छे से और इस टाइप से ना हम इसके छोटे पीस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले से हमने इसको वॉश करके रखा हुआ है। और ये देखिए, मैंने ना ब्रोकली को ऐसे नीचे पानी रख के पैन में ऊपर स्टीम करना रख दिया है। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ढक देंगे और स्टीम होने तक इसको पकाएंगे। आप देखिए, इस तरह से हमने अच्छी बड़ी छलनी में ना इसको ऐसे स्टीम होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, अच्छे से स्टीम हो गया है, हमने चेक करके देख लिया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गई। यानी हमें थोड़ा सा, देखो नीचे हमने ऐसे पानी इसके डाल दिया था, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग से ब्रोकली को। और कलर भी बहुत बढ़िया है और इसे हमें बिल्कुल एकदम वो नहीं करना है कि ज्यादा सॉफ्ट, लेकिन हाँ हल्का सा पक जाए तब हमें इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, हमने एक टेबल स्पून बटर लिया है और ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है एक चम्मच। बटर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल में बनाना चाहें तो ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। 6 लहसुन की कलियों को हमने चॉप कर लिया है। तो ये हम बटर गार्लिक ब्रोकली बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लहसुन को डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सॉटे करेंगे, बहुत ब्राउन हमें नहीं करना है, हल्की सी खुशबू आ जाए इसमें। जब ऐसे लहसुन भुन जाए ना, तो उसके साथ ही हम डाल देंगे ये ब्रोकली और इनको मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें ये। थोड़ा सा नमक, क्योंकि बटर में भी थोड़ा नमक था, स्वाद के अनुसार नमक। थोड़ी मैं ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ इसमें, बस और कुछ नहीं डालना है, मिक्स करना है अच्छे से। तो गैस को करते हैं हम बंद और ये कुछ ही समय में हमारा ये यम्मी सा ब्रोकली सैलेड बनकर तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, खाइए, खिलाइए, मजेदार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और करते हैं इसकी प्लेटिंग झटपट से। और ये देखिए, हमारा ये यमी सा गार्लिक फ्लेवर वाला ब्रोकली सैलेड तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फटाफट बनाइए और फटाफट खाइए।